हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टाइटल से पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेंट की पेमेंट और रिसीव की एंट्री। रेंट अगर हम पे हैं एंट्री करेंगे जनरल एंट्री तो क्या होगी, और हम डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने वाउचर एंट्री में आ जाएंगे। यहाँ पे हम अगर हम किसी को डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं तो बस बैंक से रेंट, इसका हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। रेंट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा और एक कंट्रोल ए 30,000। ये तो हो गया हमारी डायरेक्ट एंट्री। इसे हम कंट्रोल ए करके कर देंगे तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी। अब दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से करने का क्या तरीका होता है, जनरल में जाएंगे, जनरल में रेंट एक्सपेंसेस 30,000 टू किसको हम दे रहे हैं, किसी भी पार्टी को हम बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस पार्टी का नाम लिख देंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम डेली यूजर्स इन्फॉर्मेशन सिंडिकेटर, क्योंकि हमें 100 रुपया देना है, और कंट्रोल ए, ठीक है। यहाँ हम देंगे 27,000, ठीक है। अब जो 3,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो हम डालेंगे टीडीएस, टीडीएस हम बुक करेंगे। तो टीडीएस की हमें लेजर क्रिएट करना होगा फिर से 194 I payable। TDS 194 I payable duties and taxes, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारी एंट्री हो चुकी है, हम इसे कंट्रोल ए करके इसे कंप्लीट कर देंगे। मैं ये एंट्री आपको दिखा भी देता हूँ। डे बुक में जाके ये देखिए रेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हमें डेली यूज इन्फॉर्मेशन वाले को 27,000 रुपये पेमेंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने वाउचर में आ जाएंगे, वाउचर में हम पेमेंट पर जाएंगे, और पेमेंट में बैंक से डेली यूज इन्फॉर्मेशन 27,000 कंट्रोल ए, ये देखिए। अब हमारा जो डेली जो हमारा डेली यूजेज इन्फॉर्मेशन का जो लेजर था वो पूरा जीरो हो चुका है। हमने खर्चा बुक किया और क्या कहते हैं, हमने इसको पेमेंट भी कर दी। अब हमें करना है अगर हमें रेंट रिसीव होगा तो क्या एंट्री हम करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही प्रोसेस है, वाउचर में आएंगे, अगर फंड रिसीव हो रहा है तो रिसीव में दो तरीके से इसमें भी है HDFC बैंक में रेंट, बट ये खर्चा है इसलिए खर्चा है, तो ये क्या कहते हैं, हम इसे फिर से खोल लेंगे रेंट इनकम, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम में कंट्रोल ए, ठीक है, 30,000। इस तरीके से आप अपनी एंट्री को पूरा कर सकते हैं। अब हमें करना है, हमें पहले उसके नाम पे खड़ी करनी है, और क्या कहते हैं, हमें फिर हम अपनी जनरल एंट्री से उसको मतलब बुक करेंगे, और पेमेंट और रिसीव से उसे हम ख़त्म करेंगे। तो कुछ हमें बस सिंपल सा वही जनरल में जाएंगे, यहाँ पे पार्टी फिर से हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर था, और मतलब क्रेडिटर भी हो सकता है डेबिटर्स भी हो सकता है। मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, डेली यूजर्स इन्फॉर्मेशन 27,000 रुपया हमें आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे रेंट इनकम कितनी आएगी, 30,000, और यहाँ पे डेबिट जो कि बैलेंस बच रहा है 194। मैं अभी इसको इसमें दिखा देता हूँ 194, बट जो उसका लेजर बनेगा ना मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। मैं हैं टीडीएस
रिसीव्ड ऑन रेंट, एफ वाई 2022-23, करंट असेट्स, कंट्रोल ए, ठीक है, ये जाएगा इसमें, ठीक है। डेली यूजेस से हमें 30,000 रुपये आएगा, रेंटल हमारी इनकम होगी 30,000, वो 30,000, 27,000 आएगा, 30,000 हो गई। अब जो डिफरेंस रहेगा डेबिट, उसको हम डाल देंगे 3,000 में, ठीक है। और ये एंट्री बुक, अब हमें इसकी रिसीप्ट की एंट्री करनी है, बैंक डेली, और ये हमारा 27,000, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी एंट्री को पूरा कर लेंगे। तो इस क्या कहते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सॉरी वो मैंने ज़्यादा कर दिया, 27,000, कंट्रोल ए, ठीक है। ये देखिए बैलेंस जो है यहाँ पे पूरा का पूरा नील हो गया है, और जनरल एंट्री भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डेली यूज में से 27,000 हमने डेबिट कर दिया, इनकम आई 30,000 बुक हो गई, जो टीडीएस हमारा बुक होना था वो भी हमारा 3,000 हो गया। जब हम आईटीआर फाइल करेंगे अपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो जो हमारा रिफंड आएगा उससे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, उससे हमें कितना रिफंड आया वो हमें मिल जाएगा, और हमारा ये जो लेजर है ख़त्म हो जाएगा। तो यही इसी तरीके से आपको एंट्री हर महीने मारनी है, और बुक करनी है, और क्या कहते हैं रे और रे रिसीव और पेमेंट करनी है। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। इनकेस आपका कोई इस कंसर्न से लेकर डाउट बनता है तो आप लोगों को कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।